नमस्कार साथियों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार कोई हैंड रेस करके बता देगा। शुक्रिया सर। जय जय एमबीडी। साथियों, नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से हूँ और इस बिजनेस को आज करते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। और जब भी हम किसी मीटिंग में हम जाते हैं तो अपना परिचय हम देते हैं, और कई बार इसमें बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगता होगा कि यार रोज वही कहानी, हर बार जाओ, नाम मुकेश कुमार, 4 साल हो गया करते हुए, 20 साल नौकरी करी है, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, अजीब सा लगता होगा लोगों को कि यार एक एक कहानी को हम रोज रोज बार बार क्यों सुनाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो सुना रहे हैं वो तो हम कई बार सुना चुके हैं, लेकिन उस मीटिंग में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पहली बार हमें सुन रहे होंगे। इस चीज को समझना दोस्त, कि हम जो सुना रहे हैं हम वो कई बार सुना चुके हैं, लेकिन उस मीटिंग में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पहली बार बैठे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, जो हमें नहीं जानते हैं। इसलिए सिस्टम में बोला जाता है कि जब भी आप इस सिस्टम की शुरुआत करें, अपने परिचय से करें, अपने पिछले इस सिस्टम में आने से पहले उस जीवन काल के बारे में बताएं। इस जीवन में जब आप इस सिस्टम में जब आप आ चुके हैं तो क्या सोच करके आप आए, क्या आपको यहाँ से पाना है, क्या आपने देखा जिसके कारण आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, ये सारी बातें आपको सामने रखनी है। तो अपना प्रेजेंटेशन तो देना ही देना है, और उसके बाद इस सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाना है, फिर अपनी कंपनी के बारे में बताना है, फिर अपने प्लान के बारे में बताना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो आज जिस प्रकार से आज का सेशन लिया गया है कि प्लान को किस प्रकार से दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए, तो प्लान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसके बिना हम इस सिस्टम में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्लान ये आप लगा लीजिए, जो हम डेमो देते हैं, डेमो का जो पार्ट है, जो मैं समझता हूँ 50% है, और 50% हमारे प्लान का पार्ट है। हम लोगों को प्लान को शो करके करोड़ों रुपए कमाने का उपाय तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए जब आएंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट की जानकारी होगी, प्रोडक्ट में दम होगा, और वो व्यक्ति जो इसमें आ चुका है वो उन प्रोडक्टों को वो लगातार इस्तेमाल करेगा, लगातार अपने घर में उपयोग करेगा। क्योंकि अगर एक बार कोई खरीद करके उन प्रोडक्टों को दोबारा नहीं खरीदेगा तो हमारा टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, और ये बिजनेस बिना टर्नओवर के तो कामयाबी दे नहीं सकता है। तो इसलिए हमें जिसके भी सामने अपने प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, पूरा ओपन करके, पूरा खोल करके अपने एक एक प्रोडक्ट की बारीकी से जानकारी देनी है, और इस क्रम में सबसे पहले हमारा डेमो जो होता है वो शुरू होता है। बाकी प्रोडक्टों की जानकारी हम बाद में देते हैं, फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उसको यूज करना शुरू करता है, और जो जो चीजें उसे अच्छी लगती चली जाती हैं वो लगातार यूज करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो शुरू में उसको अच्छी नहीं लगती हैं उसके स्वाद के अनुसार, लेकिन जब बार बार उसको यूज करता है तो उसको वो टेस्ट भी आना शुरू हो जाता है, फिर उस बाकी प्रोडक्टों को भी वो लगातार यूज करना शुरू कर देता है। तो प्रोडक्ट का डेमो आज मैं आपको केवल वो बताऊंगा जो मैं देता हूँ, और हो सकता है इसमें कुछ लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, लेकिन मेरा केवल डेमो देने का यहाँ पे एक ही फोकस है कि हर किसी से हमें सीखना चाहिए। मैं जब भी मीटिंग करता हूँ अपनी टीम से, उनका प्रैक्टिकली करवाता हूँ, तो मैंने अक्सर नोट किया है कि मेरी टीम भी कुछ ऐसे शब्दों को बयां कर देती है डेमो देते समय या प्लान देते समय, जिसके बारे में मैंने आज तक सोचा ही नहीं है, जो बल्कि 4 साल हो चुके हैं मुझे। तो हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कितना बड़ा है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, अभी नया नया आया हुआ है, ये हमें इन चीजों की तरफ भी कभी फोकस नहीं करना है। कोई भी डेमो दे, हमें उसको एकाग्रता के साथ सुनना है, क्योंकि डेमो देना भी एक आर्ट है, एक कला है। और ये जानकारी देना चाहूंगा कि आप अपनी टीम में फोकस करिए,
ज्वाइनिंग तो हमने 10 लोगों की करा ली, 20 लोगों की करा ली, 50 लोगों की करा ली, 100 लोगों की करा ली, आगे चलते चलते 500 हजार लोग भी होंगे, लेकिन आपकी टीम में डेमो देने वाले कितने खिलाड़ी हैं, प्लान देने वाले कितने खिलाड़ी हैं। हम ज्वाइनिंग आगे कराते चले जाएं और पीछे हम छोड़ते चले जाएं तो क्या आपका बिजनेस स्टेबल रह सकता है? कभी नहीं दोस्तों। जो आपको जितने आप लीडर बनाएंगे उन सबके पास प्लान और डेमो का हथियार होना चाहिए, और नेटवर्कर की ताकत यही है। अगर आपके ज्वाइनिंग के द्वारा जो भी व्यक्ति आता है, अगर आप उसको ये देखना चाहते हो वो लीडर है या नहीं है, तो मेरा ये मानना है आप उसको ये देखिए कि क्या उसने अपनी डेमो किट बनाई है, या 10 बार 20 बार आपने फोर्स किया तब जाकर के उसने मरे मन से उस डेमो किट को बनाना स्वीकार किया। अरे सर 400 रुपए लग जाते हैं, 500 रुपए लग जाते हैं, तो उसका फोकस सारा जा रहा है केवल पैसे के ऊपर कि 400 रुपए लग रहे हैं। उसका फोकस यहाँ नहीं जा रहा है कि वो 4000 कमा सकता है, 40000 कमा सकता है, 4 लाख भी कमा सकता है, यहाँ से 40 लाख भी कमा सकता है। वो आज वो अगर छोटे खर्चों को देख रहा है तो बड़े इनकम कैसे ले सकता है? तो ये उस लीडर की पहली निशानी है, उसने क्या डेमो किट बनाई। और डेमो किट अगर उसने बनाई है तो आप ये समझ लिए जब उसने डेमो देखा था उस डेमो से वो प्रभावित हुआ था, दबाव में नहीं आया था वो किसी के, वो प्रभावित हुआ था, फिर उसने जाके उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। फिर दूसरी चीज आती है, क्या उसने प्लान फाइल ली? अब ये दोनों चीजें ये सिखाती हैं, ये दिखाती है, ये बताती है कि हाँ अगर वो लीडर इन दोनों चीजों को कर रहा है तो इस बिजनेस के प्रति वो बिल्कुल एकदम अलर्ट है। वो चाहता है मैं इस बिजनेस को एक एक बारीकी से सीखूं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को सीख करके मैं इस सिस्टम में अपने आप को सफल करूं। लेकिन अगर वो इन दोनों चीजों में से एक भी चीज या दोनों में से एक ही करता है तो समझ लिए वो अधूरा है। वो कब आएगा और कब छोड़ के चला जाएगा आप उस पर विश्वास मत करिए। लीडर का मतलब ही है टूल्स, लीडर का मतलब ही है अभ्यास, लीडर का मतलब ही है इस चीज की जानकारी लोगों को देना लगातार। अगर वो इन चीजों को नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ दिन का खिलाड़ी है आपके साथ, फिर वो चला जाएगा छोड़ करके। या तो आप उसको तैयार कर दीजिए पूरा, अगर वो तैयार नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर समय मत गवाइए, आप निकल जाइए वहां से किसी और साथी की तलाश में। आज मैं डेमो कैसे दूंगा उसकी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और अगर आपको कुछ मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इसको अपने डेमो में जोड़ सकते हैं। और बाकी अभी भी लगातार सीखने का प्रयास चल रहा है, और जितने भी मेरे साथी हैं वो डेमो देते हैं तो उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जब मैं किसी को प्लान के लिए बैठता हूँ तो उनको किस प्रकार से अपनी जानकारी देता हूँ, इस सिस्टम को शुरू करता हूँ। नमस्कार साथियों, नाम मुकेश कुमार, और साथी आज मैं इस सिस्टम की जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, और अपनी लाइफ में मैंने भी 20 साल नौकरी करी है जैसे आप आज की तारीख में कर रहे हैं। तो लेकिन नौकरी से मैंने केवल एक ही चीज सीखी है कि दोस्तों केवल सैलरी आती है, केवल हम जीवन को काट सकते हैं, हम जी नहीं सकते हैं, और यही चीज मेरे साथ चलती रही। लेकिन नौकरी करने के साथ एक समय ऐसा भी आया था, मैंने अपनी दुकान भी करी थी और मैंने ये सोचा कि नौकरी भी चलेगी, दुकान भी चलेगी और काफी अच्छा पैसा आएगा, सारी इंजॉयमेंट होगी। लेकिन जब मैंने नौकरी के साथ दुकान करी तो मेरे पास समय खत्म हो गया, और कुछ समय के बाद 1.5 साल मैंने करीब दुकान चलाई और नौकरी के साथ, फिर मैंने उस दुकान को भी बंद कर दिया, फिर मैं दोबारा नौकरी में लग गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन टोटल लगभग जब 20 साल की मेरी नौकरी हुई तो कंपनी बंद हो गई और फिर मैं सड़क पे आ गया, और फिर मेरे मुख से एक ही आवाज निकली, काश मैंने अगर दुकान को बंद नहीं किया होता तो आज मेरे पास एक साइड इनकम हो रही होती, और फिर मेरे जीवन में नौकरी जाने के बाद जो समस्या आई वो समस्या नहीं आती। लेकिन फिर जब मैंने दुकान को करना शुरू किया तो वहां से भी मेरे मन में एक ही चीज बनती रही कि यार दुकान भी एक परमानेंट प्रोसेस तो है नहीं, दुकान भी हमें एक लिमिट में ही इनकम देगी जैसे नौकरी हमें लिमिट में इनकम देती है। मैंने नौकरी के साथ जो दुकान खोली है वो किस पर्पस से खोली थी? इसी पर्पस से कि पैसा अच्छा आएगा, जीवन में सारी सुख सुविधाएं आएंगी। लेकिन नौकरी तो हाथ से चली गई, फिर मैं दूसरी नौकरी जो ढूंढने में गया वहां पे वो इनकम नहीं मिल पा रही थी जो मैं पीछे इनकम ले रहा था,
और यहाँ से फिर निराशा आई कि 20 साल की नौकरी के बाद अगर जो इनकम 40,000 की लगभग आ रही थी अगर वो नहीं मिल रही है तो घर की स्थिति तो खराब हो जाएगी। फिर मैंने दुकान की तरफ फोकस किया, लेकिन दुकान से भी वो चीजें नहीं हो पा रही थी। दुकान की समस्या कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। नौकरी में तो हम छुट्टी लेके शादी ब्याह दोस्तों से मिल भी सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, लेकिन दुकान एक ऐसा जटिल प्रोसेस बन जाता है कि आप एक दिन के लिए भी शटर डाउन नहीं कर सकते हैं। नौकरी में तो आप छुट्टी लेकर के लीव लेकर के आप घूम सकते हैं, सैलरी नहीं कटेगी, लेकिन दुकान में तो आपने 1 घंटे के लिए भी दुकान बंद करी तो आपकी इनकम चली जाएगी। तो यहाँ से मेरे जीवन में दो चीजें उधेड़बुन बनती रही कि यार नौकरी में भी वो पावर नहीं है और दुकान में भी वो पावर नहीं है। और दिमाग में मंथन चलता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन उसी दौरान मुझे जेएमबीडी बिजनेस मिला, और इस बिजनेस को करने से पहले मैंने 4 बार सोचा करूं नहीं करूं, क्योंकि नेटवर्किंग मैंने पहले कर रखी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा साथियों कि अगर आपने नेटवर्किंग कर रखी है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बताएं लोगों के सामने कि नेटवर्किंग में आप किस प्रकार से फेल हुए थे जो पीछे आपने नेटवर्किंग करी। क्योंकि आज समाज में अगर आप जाएंगे ना तो लगभग 90-95% लोग ऐसे मिलेंगे जो नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं और उसमें फेल हो चुके हैं, नेगेटिविटी उनके मन में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप फोकस करें कि आप भी फेल हो चुके हैं, और आज जब आपको एक नया सिस्टम मिला, अच्छा सिस्टम मिला, आपने फिर शुरू कर दिया, वहां वो प्रभावित होंगे कि मैं भी फेल, ये भी फेल, अगर ये शुरू कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं शुरू कर सकता। तो फिर उनको जानकारी दीजिए कि दोस्तों मैं भी फेल हुआ, मैंने भी 3 कंपनियां करी 15 साल में, फिर बीच में मैंने ब्रेक कर दिया, नेटवर्किंग की तरफ मैंने झांका भी नहीं। लेकिन इस कंपनी के फाउंडर ओम जी और मेरे साथी सतीश जी सिस्टम में आए मेरे पास जो है, और उन्होंने मुझे सिस्टम की जानकारी दी। शुरू में मैंने 3 बार इग्नोर किया क्योंकि जिन कंपनियों को मैं कल कर चुका था उसकी नेगेटिविटी मेरे मन में थी, लेकिन लगातार फोकस के कारण मैंने इसको जो है बिजनेस को शुरू किया। और जब शुरू किया तो मुझे काफी अच्छा लगा, थोड़ी अड़चने हुई, लेकिन अड़चने यही थी कि काफी दूर इसका ऑफिस था, लेकिन मेरा फोकस प्रोडक्ट पे नहीं था, मेरा फोकस प्लान पे था, कमाई पे था, जो मुझे नौकरी और दुकानदारी से वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। मुझे समझ में आ चुकी थी कि अगर इसको हमने सिस्टम से 3 से 5 साल 6 साल अगर हमने कर लिया तो हमारे जीवन में वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो एक इंसान तलाशता रहता है नौकरी या दुकानदारी में। और फिर मैंने सिस्टम को करना शुरू किया, लेकिन सिस्टम में जब मैंने शुरू किया तो दोस्तों मुझे दो चीजें बड़ी लाजवाब लगी और कंपनियों से बेटर लगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को मैंने प्लान देखे थे। जब मेरी नौकरी छूटी थी पिछले 4-5 महीने के अंदर, मैंने वेस्टीज हो गया, मोदी केयर है, फॉरएवर है, ओके लाइफ है, बहुत सारी कंपनियों के प्लान देखे, बहुत सारे साथी मेरे पास आए नेटवर्किंग के लिए, लेकिन उनका समझाने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। उनके प्रोडक्ट में दम नहीं दिखाई दिया, प्लान में दम नहीं दिखाई दिया, मैं वहां नहीं गया। लेकिन जब जेएमबीडी का प्लान और प्रोडक्ट देखा तो मजा आ गया देख करके। और मैंने जब इनका डेमो देखा, मैंने इससे पहले कभी डेमो भी नहीं देखा था, तो मैंने आके तुलसी यूज करी और इनके विडेंट यूज किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाइफ को जो समस्या थी दांतों में खट्टेपन की जो 10-12 साल से थी, लाजवाब पेस्ट है दोस्त, जेएमबीडी का विडेंट जो है, अपना विडेंट जो है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों को बताना है तो अपना करके बताना है, अपनी कंपनी करके बताना है, अपने प्रोडक्ट करके बताना है। अगर आप यहाँ पे ये शो करोगे कि हाँ कंपनी का कंपनी का कंपनी का, यानी आप उसको अपना नहीं समझ रहे हो। और जब तक आप किसी चीज को अपना नहीं समझोगे वो आपका अपना नहीं होगा, और अपना नहीं होगा तो आप वहां से अपना कमा नहीं सकते आपसे। तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट में, अपने जेएमबीडी के विडेंट में लाजवाब मजा है दोस्तों। जो 12 साल से जो ठीक नहीं हुआ, जो अपने जेएमबीडी के विडेंट ने वो ठीक करके रख दिया जो। और जो मैं यहाँ दुकान में बैठे बैठे गैस की समस्या बनती थी, सारी चीजें होती थी, लाजवाब प्रोडक्ट, लाजवाब तुलसी, दोस्तों क्या रिजल्ट आया जो है, अब बैठने पे कोई समस्या नहीं होती है। तो तारीफ करें, जितनी तारीफ आप करेंगे सामने वाला प्रभावित होता है इन सारी चीजों से, क्योंकि किसी भी चीज को हम बार बार फोकस करेंगे तो एक बार उसके मन में जरूर आएगा यार ले लूं मैं, ऐसा इतनी तारीफ कर रहा है तो एक बार लेने में क्या जा रहा है, सोचता है वो एक बार जो है, और ले भी लेता है फिर वो। और जब मैंने इनके प्रोडक्टों को लगातार यूज करना शुरू किया तो मजा आ गया जो है, क्या मसाले हैं, क्या तेल है, क्या साबुन है। और दूसरा प्लान, लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले
यहाँ के प्रोडक्टों की मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। आज जो हम जिस प्रकार से मार्केट में विभिन्न प्रकार के हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कई सालों से, जब से हमने होश संभाला है, हमारे पिताजी भी लगातार यूज कर रहे हैं, जो वो लाते थे या हम लाते थे, हमने वहां बहुत समय इस्तेमाल किया, लेकिन हमें वहां से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला, ना आर्थिक रूप से मिला ना शारीरिक रूप से मिला। और जिस प्रकार से आजकल एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, समाज में केमिकली का इशू चल रहा है, मिलावटें की जा रही हैं और केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है फलों और सब्जियों को ऊपर, इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है, आज कितने सारे लोग बीमार हो चुके हैं। आज के हम समाज में देख सकते हैं कोई सा भी घर ऐसा है जहां बीमारी ना हो? हॉस्पिटलों की इतनी संख्या नहीं, जिससे कई गुना लाखों की संख्या में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जो एक एक डॉक्टर के पास जो 200, 400, 500, 1000 पेशेंटों का आंकड़ा है। क्या एक डॉक्टर एक दिन में 1000 पेशेंट देख सकता है? क्या नामुमकिन है। और पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसे इस्तेमाल करने में क्या जाता है? और पहले मैं आपको अपने जेएमडी के प्रोडक्ट का कुछ डेमो दिखाता हूँ जो मुझे बहुत लाजवाब लगा था, और उसके बाद फिर हम इसके प्लान के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज जैसे हम सब जानते हैं, जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो मैंने पानी डाला बोतल के अंदर, जैसे हम सुबह सो करके उठते हैं तो इससे पानी की तरह हमारा शरीर साफ रहता है। और लेकिन जिस प्रकार से हम दिन भर एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, वातावरण में धूल भी है, मिट्टी भी है, केमिकल भी है, डस्ट भी है, वो सारा शरीर हमारा गंदा होता चला जाता है। फिर मैंने बीटाडीन डालना उसके अंदर शुरू किया और इस प्रकार से हमारा शरीर जो है गंदा हो जाता है। और फिर जब हम शाम को घर से, ऑफिस से या फिर बाहर मार्केट से कहीं से भी वापस घर आते हैं और किसी ना किसी प्रकार का साबुन हम यूज करते हैं, जो हम मार्केट में देख टीवी में देख करके मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम चलता है कि यहाँ जो भी साबुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे शरीर को फायदा देगा? नहीं, हम केवल एक प्रभाव में लेके आते हैं कि टीवी में दिखाया जा रहा है, चलिए हम यूज कर लेते हैं और हमारे लिए अच्छा है। और कभी भी हम साबुन के रैपर के ऊपर हम कुछ पढ़ते नहीं है, केवल मोटी मोटी चीजें पढ़ते हैं कि पतंजलि का है साबुन है या डव का है या लाइफ बॉय है, बस मोटी चीजें पढ़ते हैं, रेट देखते हैं और लेकर के आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने साबुन के बारे में और जो आज समाज में सबसे अच्छा साबुन माना जाता है डव, इन दोनों का मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आप देखना कि हमें कौन सा साबुन यूज करना चाहिए और कौन सा साबुन नहीं। ये पानी है जो मैंने बीटाडीन डाल करके गंदा किया है, और जैसे हम सब लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग इसको चोट पे लगाते हैं और इसमें कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं। जब हम इन शब्दों को कि कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर लोग समाज में मिल मार्केट में मिल जाते हैं, जो शातिर आदमी होते हैं, जो सवाल जवाब ज्यादा करते हैं। अगर आपने उसको बोला कि इसके अंदर 10 प्रकार के केमिकल हैं, 12 प्रकार के केमिकल हैं, तो वो आपको छूटते ही बोलेगा, भाई जी कौन सा केमिकल है, थोड़ा नाम बताएंगे? अगर आपने 10-12 प्रकार की गिनती गिनाई है, 5 प्रकार की गिनती गिनाई है, जो भी गिनाई है, आप थोड़ा मुझे केमिकल का नाम बताएंगे? और आज अगर मैं सिस्टम की बात करूं, हमारे इस सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब एक साधारण आदमी है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई प्रोफेसर नहीं है, जो साइंटिस्ट नहीं है, जो एक एक केमिकल का नाम हम अपनी जुबान पे याद रखेंगे और लोगों को बताएंगे। बातों को हमें इस प्रकार से रखना है कि सामने वाला के पास कोई सवाल ना बने। अगर हमने उससे सवाल बनाने का मौका दिया अपनी बातों के जरिए, तो आप उसमें फंसते चले जाएंगे। आप बहुत शॉर्टकट में इन बातों को रखें। देखिए, ये बीटाडीन है, इसको मिला करके इस पानी को मैंने गंदा किया, और डॉक्टर लोग इसको अपने चोट पे लगाने का, जिनको भी चोट लगती है उस पर लगाते हैं, उनकी चोट को ठीक करते हैं। और इसमें कई प्रकार के केमिकल मिले हुए हैं, गिनती ना गिनाए सर, कई प्रकार के केमिकल। और जब कई प्रकार के आप केमिकल की आप बात करेंगे, इसमें 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। बोलिए, इसमें कई प्रकार के केमिकल मिले हुए हैं, और इस केमिकल की जानकारी आप नेट पे जाकर के आप पता कर सकते हैं। अब आपने उसको तुरंत जवाब भी दे दिया कि आप नेट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं कि कितने प्रकार के केमिकल मिले। अब उसके पास सवाल खत्म, वो आपसे नहीं पूछेगा वहां पे, अब वो चला गया नेट के ऊपर। तो इन दोनों को मैंने गंदा किया। अब एक के अंदर सबसे पहले हम ये जो मार्केट का सबसे बेहतरीन साबुन है डव, उसको हम इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे क्या इस साबुन की गंदगी की सफाई करता है। और दूसरा साबुन है हमारा एरोमा, जो अपने हिंदुस्तान की कंपनी है, लखनऊ की कंपनी है, और इसको हम डालेंगे जो कुछ अच्छे प्रोडक्टों से मिलकर के बना है, एलोवेरा, तुलसी, केसर, इन सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो हमने दोनों को लेकर के दोनों डिब्बों में साबुन डाला और उसको हिलाया, और फिर देखा हमने कुछ ही सेकंडों में डव तो साफ नहीं कर पाया, लेकिन उसने, हमारे अरोमा ने उसको साफ कर दिया।
तो यहाँ पे अब उन बातों को रखना है, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आप लगातार डेमो देते जाएंगे, आपकी जुबान नहीं रुकनी चाहिए। इस सिस्टम में डेमो देते हुए कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। अब वो साबुन को खुरच रहे हैं तो उनकी जुबान बंद होगी वहां पे, आपकी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। आपके पास इतने शब्द होने चाहिए प्रैक्टिस करके कि अगर आप डव साबुन को आप रगड़ रहे हैं तो डव के बारे में आप विवरण देते चले जाएं, विवरण देते चले जाएं। आप अपने एरोमा के बारे में बता रहे हैं तो एरोमा का विवरण देते चले जाएं, वहां आदमी का फोकस हमेशा बना रहेगा। नहीं तो आप रगड़ रहे हैं तो उसका दिमाग कहीं और चलना शुरू हो जाएगा, और एक बार दिमाग अगर भटका तो यानी उसने डेमो की तरफ, आपकी बातों की तरफ उसने फोकस नहीं किया। कौन सी बात उसको टच करने वाली चीज होती है और जो उसके माइंड से निकल जाए तो वो चीज पता नहीं है। तो आपका हाथ चलते रहना चाहिए, साथ में आपकी जुबान भी चलते रहनी चाहिए। तो दोनों के अंदर मैंने मिलाया, डव ने इसको साफ नहीं किया और अरोमा ने इसको साफ कर दिया। अब आप ये खुद सामने निर्णय करिए कि जो साबुन टीवी में हीरो ने ऐड करके दिखाती हैं कि मेरी गोरी और सुंदर त्वचा का राज डव, क्या आज तक किसी साबुन ने किसी को गोरा किया है? अगर कोई साबुन गोरा करता दोस्त तो वेस्ट इंडीज के सारे लोग हिंदुस्तान में जाते और सब कहते कि मुझे भी डव दे दो, मैं भी गोरा हो जाऊं, अपने वेस्ट इंडीज को मैं गोरा कर दूं। लेकिन साबुन का केवल एक ही काम होता है, गंदगी की सफाई करना। जो आज मार्केट में ये डव साबुन है, ये गंदगी की सफाई पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। ये नहीं कहना कि नहीं कर पाता है, तो लोग वहां पे भी सवाल उठा देंगे, कह रहे कि डव साबुन जो आज मार्केट में है, ऐसे बहुत सारे साबुन है मार्केट में जो पूर्ण रूप से सफाई नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे जब आप पूर्ण रूप से शब्द आप लगा दोगे, तो जैसे हम टीवी में ऐड देखते हैं, कोई से भी दो साबुनों का ऐड दिखाते हैं, तो अगर कोई अपना ऐड दिखाता है साबुन का, उसके अंदर भी एक दो जर्म्स वो छोड़ के रखते हैं, 100% वो फिर भी नहीं बोलते हैं, 99% वहां पे शो करते हैं। तो यही चीजें हमें अपने शब्दों में यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि डव साबुन हमारे शरीर की सफाई को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, लेकिन ये एरोमा साबुन जिसने जिस प्रकार से इस पानी की सफाई कर दी, उसी प्रकार से हमारे शरीर की भी सफाई कर देता है। यहाँ पे भी आप ये नहीं बोलेंगे कि पूर्ण रूप से सफाई कर देता है, कहीं पे भी आप किसी भी चीज को पूर्ण रूप रखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। जो है उसी पर जैसे इसने पानी की सफाई करी, ऐसे ये हमारे शरीर की भी सफाई करता है। फिर दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। आज डव साबुन हमारे हिंदुस्तान का साबुन नहीं है, या अमेरिका का साबुन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। जो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान का पैसा टैक्स के रूप में विदेश भी जाता है, जिसका आर्थिक रूप से हमारे देश को घाटा भी होता है, और देश को नुकसान हुआ तो हमें भी नुकसान होगा। फिर अगर आप डव साबुन इस्तेमाल करेंगे तो क्या डव कंपनी आपको जानती है? आपका कोई रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, ग्राहक का कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो डव साबुन आपको किसी प्रकार का पैसा भी नहीं देगी, कोई मुनाफा भी नहीं देगी। जिसे निर्णय आपको करना है कि जो साबुन विदेश, जिसकी इनकम विदेश में जाती है और जो शरीर की पूर्ण रूप से सफाई भी नहीं कर पा रही है, कोई जो साबुन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पैसा भी नहीं देती है, हमारे अकाउंट में पैसा भी नहीं देती है, या आपको एरोमा साबुन इस्तेमाल करना है जो हिंदुस्तान की कंपनी है, अगर हम इसको यूज करेंगे गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, जिसका आर्थिक लाभ भी हमें किसी ना किसी रूप में मिलेगा, साथ में जो डव साबुन से हमारे अकाउंट में एक रुपया भी नहीं आता है, हम अपने एरोमा साबुन को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, जो आज तक हम इस ताकत से हम वंचित थे। जो है फिर जो डव साबुन हमारे शरीर की सफाई नहीं करता है, एरोमा साबुन हमारे शरीर की सफाई भी कर देता है। जो है अब आपको हीरोनों की बातें माननी है, या जो साक्षात यहाँ सामने प्रमाणित करके आपको दिखाया जा रहा है, आप उस बात पे विश्वास करेंगे। और छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा दोस्त, कि आज टीवी में जब कोई ऐड आता है तो कोई हमें बताने आता है, वो हीरोने या हीरो निकल करके हमें क्या बताने आते हैं कि आप इस साबुन को आप इस्तेमाल करो, या इस पेप्सी को आप पियो, या फिर ये पेस्ट लगाओ, ये करो और आपको सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे? कोई नहीं दोस्त। हम सब जब टीवी में ऐड आता है तो केवल इस बार उस टीवी को हम देखते हैं और अपने मन में एक विचार पैदा करते हैं कि हाँ ठीक है यार, टीवी में ऐड आया है, चलिए एक नया प्रोडक्ट आया है, उसे इस्तेमाल करके देख लिया जाता है, और उसको हम घर में लेकर के आते हैं, उसको हम यूज करते हैं, अच्छा लगा तो कंटिन्यू, और अच्छा नहीं लगा तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं। आज मैं आपको जो अपने जेएमबीटी प्रोडक्ट का डेमो आपको दिखाने जा रहा हूँ, यही प्रोसेस आपके सामने। मैं आज एक टीवी बन के मैं आपके सामने आया हूँ। आज इस डेमो को देखिए, जो वहां पे नहीं दिखाया जाता है, मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। आप इन सारे प्रोडक्ट को आप यूज करें, और जो आपको अच्छा लगे आप उसे कंटिन्यू करिए, जो अच्छा नहीं लगे उसे आप ब्रेक कर सकते हैं। यही तो आज जीवन में भी आप करते हैं। अब वहां पे जब किसी प्रकार का एक बार देख करके यूज करने में कोई घाटा नहीं हो रहा, तो यहाँ एक बार देख करके यूज करने में आपको क्या घाटा होगा?
आपने हमारे साबुन का प्रैक्टिकली देखा कितना लाजवाब साबुन है। रेट की अगर मैं बात करूं, आज मार्केट में अगर आप डव साबुन 75 ग्राम का अगर आप खरीदने जाएंगे तो कम से कम लगभग 55 रुपए का आपको मिलेगा, लेकिन हमारे अरोमा साबुन की MRP 62 रुपए है। और एक बार आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे मात्र आपको 30 रुपए में आपको पूरी लाइफ के लिए साबुन मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा, आपकी सफाई भी होगी, गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाएगा और आर्थिक रूप से आपको गवर्नमेंट किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं से लाभ भी देना शुरू कर देगी। अब निर्णय सर आपका है कि आपको इसको क्या करना है। फिर बाहर की तो हमने सफाई कर ली, क्या हम अपने अंदर की सफाई कभी कर पाते हैं? जैसे आज घर के अंदर की सफाई करते हैं तो घर के बाहर की भी हम करते हैं। बर्तन अंदर से भी साफ करते हैं तो बर्तन बाहर से भी साफ करते हैं। उसी प्रकार से शरीर को अगर हम रोज बाहर से साफ करते हैं तो हमें उससे ज्यादा जरूरी है शरीर को अंदर से साफ करना। आज लगभग 95% बीमारियां हमारे शरीर के अंदर से होती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर सारे पार्ट हैं, अगर वो पार्ट सुचारू रूप से नहीं चलेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, गंभीर बीमारियां बन जाएंगी, जिसकी जानकारी हमें तब पड़ती है जब वो गंभीर स्थिति में आ जाती है। आज जैसे डव साबुन ने शरीर की सफाई नहीं करी, आज इसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी अंदर से गंदा है। खेतों में केमिकल डाला जा रहा है, फलों सब्जियों में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है, और रातों रात जब इंजेक्शन लगाते तो फल सब्जी बड़ी हो जाती है, फिर हम बड़े चाव से उसको मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको खाते हैं। आज जो एक केमिकली भोजन चल रहा है, मिलावटी भोजन चल रहा है, उसके कारण आज हमारा शरीर अंदर से ऐसा गंदा हो चुका है। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी अंदर का निरीक्षण करवाया है? हम कभी करवाते नहीं है, क्योंकि हमें अगर जब तक समस्या ना हो किसी की तरफ फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आज समाज में जिस प्रकार से 20-30 साल से 40 साल से केमिकल का जो खेल चल रहा है, आज हर आदमी इसको यूज कर रहा है और मजबूरी है उसको यूज करना। उसको हर्बल चीज नहीं मिल पाएगी मार्केट में, और मजबूरी के कारण वो यूज कर रहा है, उसके शरीर में किसी ना किसी प्रकार की स्थिति गंभीर बनती चली जा रही है। कुछ लोग बीमार हो चुके हैं, जो नहीं हुए आने वाले समय में वो बीमार होंगे। लेकिन आज हम उन चीजों को खाने से रोक तो नहीं सकते हैं अपने आप को, क्योंकि मार्केट में वही चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों के साथ अपने शरीर की हम अंदर से सफाई करना शुरू कर दें, और इस सफाई करने के लिए हमारे पास एक लाजवाब प्रोडक्ट है सर, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसका नाम है पंच तुलसी। 5 प्रकार के तुलसी कारकर, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, स्वेल तुलसी, अर्जक तुलसी। आज मार्केट से अगर हम घर में अगर हम कोई तुलसी लगाते हैं तो 1 या 2 प्रकार की तुलसी लगाते हैं, राम या श्याम, लेकिन इसके अंदर सर अर्क मिला हुआ है। अर्क की गुणवत्ता तुलसी के डायरेक्ट रस पीने से ज्यादा होती है, और वो भी 5-5 प्रकार की। जब इसका हम लगातार सेवन करेंगे तो हमारे शरीर की सफाई करना शुरू करेगी। अब इस तुलसी को देखिए, मैं इस बोतल के अंदर डाल रहा हूँ और धीरे धीरे करके हमारे शरीर की सफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है, कई बार हम लोगों को बोल देते हैं कि जैसे आप तुलसी पीना शुरू करेंगे आपके शरीर में तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे लोगों को ये बोलना है, जिस प्रकार से शरीर की गंदगी, शरीर के अंदर गंदगी एक दिन में नहीं बनी है, ऐसे शरीर की सफाई भी एक दिन में नहीं होगी। किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, उसी के अनुसार कुछ समय तो शरीर के अंदर की सफाई का भी लेगा। फिर आपकी दिनचर्या क्या है, आपका खान पान क्या, उसके अनुसार भी समय लगता है ऊपर नीचे। किसी को तो दोस्त ये पहली खुराक में ही आराम देना शुरू हो जाता, किसी को 10 दिन में आराम देता, किसी को महीने भर में आराम देता है। लेकिन अगर हम इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर की गंदगी की 100% ये सफाई करके खत्म कर देगा। जैसे मैंने इसको इसके अंदर डाला, अब ये देखिए, और थोड़ी देर में धीरे धीरे करे हमारे शरीर के अंदर की भी सफाई करना शुरू करेगा। आप उसको थोड़ा सा हिला करके उसको साइड में रख दीजिए, और अब फिर तुलसी के डिब्बे को आप उठाइए और उसको बारे में आप बताना शुरू करें। सर ये छोटा डॉक्टर है, 5 प्रकार की तुलसी है जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन हम इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है सर, आप सुबह उठिए, उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी करिए, 5-7 बूंद उसके अंदर डाल के पी लीजिए, दोपहर में पी लीजिए, ऐसे शाम को पी लीजिए, और जब ये आपके शरीर में अंदर जाता रहेगा तो छोटा डॉक्टर कहलाता लगभग 200 बीमारियों में काम आता है, जैसे फ्लू, स्वाइन फ्लू, जोड़ों के दर्द, मोटापे के वजह से होने वाले ब्लड प्रेशर में, गठिया में, पेशाब में जलन, शुगर, एलर्जी, हेपेटाइटिस, बवासीर, पेट का अल्सर, थकान में तनाव, उल्टी दस्त, ब्रेन हेमरेज, फेफड़े में सूजन, वीर की कमी, भूखने लगना, हिचकी की बीमारी, सारी चीजें दोस्त ये सारी ठीक करता है। साथ में और भी बहुत सारे इसके लाजवाब रिजल्ट हैं। अब जब आप किसी को बताएं ना तो आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना चाहिए, आपकी जुबान वैसी होनी चाहिए, रट्टा नहीं,
रट्टे के साथ आपके भाव वहां पे उनके सामने प्रेजेंट होने चाहिए, आपके हाथे हिलने चाहिए, आपकी भौहें हिलनी चाहिए, आपके शब्दों में उतार और चढ़ाव होना चाहिए, ये सारी चीजें। वो सामने वाला जैसे फिल्मों में अगर कोई एक एक्टर है खड़े खड़े डायलॉग मारे क्या मजा आएगा, लेकिन अगर उसने उसको भाव से अगर डायलॉग मारना शुरू कर दिया तो सामने वाला प्रभावित होता है, उन चीजों को देखने पे आतुर हो जाता है, उसकी निगाहें नहीं हटती है। उसी प्रकार से हमें ये डेमो देते हुए चलना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी एक्टिविटी में आनी चाहिए, उसको प्रभावित करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। सर बड़ा लाजवाब है ये, तो जो बीमारी मैंने आपको बताया ये तो ठीक करेगा ही करेगा जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। साथ में अगर आपके कान में किसी प्रकार की समस्या है, मवाद निकलता है, फोड़े फुंसी है, खुजली हो रही है, मैल जम गई है, आप कान में इसको डालना शुरू करें, जो है दो दो साल चार चार साल प्रॉब्लम जो कान की थी वो ठीक हुई है। कई लोगों के मवाद निकलते थे, डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन हमारी लाजवाब तुलसी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट किया, 10 दिन 15 दिन महीने भर कान में डाली और कान की सारी समस्या ठीक, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नाक से संबंधित समस्या जैसे खर्राटे आते हैं, नजला रहता है, डस्ट उड़ती है, उससे एलर्जी हो जाती है सांस लेने में, साइनस की समस्या, मांस बढ़ जाता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, इस तुलसी को आप दिन में एक या दो बार एक एक बूंद नाक में डालना आप शुरू करें। किसी को रिजल्ट तो 2-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा, किसी को 8-10 दिन या महीना भर भी लगेगा, लेकिन लाजवाब रिजल्ट है सर। इस तुलसी ने आज मेरे घर में, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली किया, जो जिसके वजह से आज इस तुलसी के वजह से आज मैं सिस्टम में भी हूँ। मेरी मिसिस को साइनस की समस्या थी, मैंने 2017 में ऑपरेशन करवाया था दिल्ली के पत्रा हॉस्पिटल में, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन तक वो बड़े परेशान थे, क्योंकि मुंह में पाइप वगैरह डाला गया, गले में खारा रस्सी हो गई, तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन डॉक्टर से मैंने पूछा ये समस्या क्या दोबारा नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि आप इनको ठंड से बचा के रखें, ये करें वो करें, नहीं होगी, नहीं किया तो दोबारा हो जाएगी, और हुआ वही 2018 में फिर समस्या रिपीट हो गई, और फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर वही बात बोली कि ये तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का जो है, उसी समय मुझे जेएमबीडी मिली और ओम सर से मैंने बात करी, ओम सर ने बोला नाक में तुलसी डालना शुरू करें। मैंने 20-22 दिन लगातार उनकी नाक में तुलसी डाली, जो नाक से खून निकलता था, जो मांस बढ़ गया था, सारा गायब, पता नहीं चला कहाँ चला गया, वो सब एकदम गायब एकदम जो है। और आज सर 4 साल हो चुके हैं, नाक से कोई समस्या नहीं है। अब मैं केवल नाक की सफाई के लिए महीने 2 महीने में एक दो बार नाक में डाल देता हूँ, जो एलर्जी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, सारी साफ, ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, ना कोई पैसा वेस्ट हुआ, ना कहीं छुट्टी लेनी पड़ी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लाजवाब तुलसी है सर मेरे घर में, तुझे इतने बेहतरीन रिजल्ट है, पथरी है किसी को कुछ प्रोडक्ट के साथ आप तुलसी में जाकर के हमारे दे दीजिए, लाजवाब रिजल्ट है। यूट्रस में रसोली है, कुछ प्रोडक्ट अपने जेएमबीडी का यूज किए जाएंगे और इनको दे दीजिए, 100% रिजल्ट है, एक से बढ़कर एक है। अब छोटा सा मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ सर आज। अब अच्छा आप एक चीज बताएं, आपके घर में बीमार पड़ते नहीं पड़ते? हर आदमी कहेगा हाँ बीमार पड़ते हैं। अच्छा जब एक बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है? 500, 700, 1,000, 2,000। हॉस्पिटल में चले गए तो कई हजारों में चला जाता है। वहां आपको पहले ओपीडी कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वहां कुछ टेस्ट लिख देगा, ब्लड टेस्ट लिख देगा, यूरिन टेस्ट लिख देगा, एक्सरे लिख देगा, सीटी स्कैन वगैरह लिख देगा बीमारी के अनुसार जो है। फिर हम उसको लेकर के दोबारा जब रिपोर्ट निकलवाएंगे, फिर ओपीडी कार्ड बनवाएंगे, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर वहां मेडिसिन लिखेगा, फिर एक सेंटेंस बोल रहा है इसे खाइए और एक हफ्ते बाद फिर आइए, फिर हम बताते हैं आगे क्या है। डॉक्टर ये नहीं कहता है मेडिसिन देते हुए कि आप ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते बाद आइए फिर हम देखते हैं, और यही कहानी बनती है, और इसमें कितने कई हजार रुपए चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी तुलसी के अगर मैं आपके सामने बात रखूं, हमारी जो छोटी तुलसी है 270 रुपए उसकी एमआरपी है, और रजिस्ट्रेशन के बाद मात्र 195 रुपए में आप मिलती है। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मान लीजिए आपने 201 तुलसी आपने यूज करी, और वो एक व्यक्ति अगर यूज करता है तो लगभग 1.5 से 2 महीने चल जाती है। 2 महीने मान लीजिए आपने, 1 महीने में कितने का खर्चा किया? 100 रुपए का। 2 महीने में आपने 200 रुपए का खर्चा किया, साल में आपने जो 1,200 रुपए का खर्चा किया। एक व्यक्ति के ऊपर हम लगातार तुलसी हम यूज कर रहे हैं, साल में हम 1,200 रुपए लगा रहे हैं, और वो व्यक्ति इतनी सारी बीमारियों से बच रहा है, और साल में उसको डॉक्टर के पास जाने की जो है जरूरत नहीं पड़ती है। सर ये फायदा है या नुकसान है? सामने वाला सीधा बोलेगा सर ये तो फायदा है।
उसके दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाएगी कि सर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे पास कितने सारे खर्चे आ जाते हैं, मेडिकल का तो खर्चा आता ही है, ड्यूटी से छुट्टी भी लेनी पड़ती है, हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी उठाना पड़ता है, कोई बीमार होता है तो विभिन्न प्रकार के हमें उनके डाइट को भी हमें चेंज करना पड़ता है जिसका एक्स्ट्रा खर्चा भी आ जाता है। सर अगर आपने तुलसी अपने घर में इस्तेमाल करनी शुरू करवा दी, आप इन सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और तुलसी जो केवल कहने के लिए नहीं है कि रामबाण का काम करती है, हकीकत में रामबाण का काम करती है। और आज मेरे घर में 4 साल से आज मुझे डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग कहते हैं गैस से परेशान, पूरी दुनिया गैस से परेशान है, तुलसी का उपयोग करें किसी भी प्रकार की गैस हो 100% खत्म है, जो लाजवाब रिजल्ट है। जो किसी को लूज मोशन लग रहा है तुलसी देना शुरू कर दें, साथ में हमारा फेनल है उसको आप देना शुरू कर दें, बहुत लाजवाब रिजल्ट है। क्यों जाएं सर डॉक्टर के पास? हम क्या डॉक्टर को पैसा देने के लिए अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं? हम वही पैसा हम बचा करके अपने बुढ़ापे में काम आ सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आ सकते हैं, ये सारी चीजें अपने घर बनाने में, बच्चों की शादी ब्याह में कर सकते हैं। आज पैसा हम क्यों कमा रहे हैं? क्या डॉक्टरों को देने के लिए हम कमा रहे हैं? नहीं दोस्त, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए। ये हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर जो है। और इसी क्रम में अब मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अब किस प्रकार से तुलसी ने धीरे 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 करके इस पानी की गंदगी को भी साफ कर दिया, शरीर अंदर से भी साफ और शरीर बाहर से भी साफ। जब शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ हो जाएगा, क्या किसी प्रकार की बीमारी आएगी? नहीं आएगी दोस्तों। और आज हम इन्हीं चीजों को नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हमें डॉक्टर के पास लगातार जाना पड़ता है। कुछ नियम का पालन तो हमें करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को हमें अच्छे यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर दो चीजों के तो हमने सफाई कर ली, तीसरी चीज होती है हमारे दांतों की सफाई। एक कहावत है, जिसके दांत और आंत साफ रहते हैं वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ता है। आंतों की सफाई के लिए आप हमारे तुलसी का नियमित उपयोग करें, और भी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं, रोटेट करके आप उन सबको उपयोग करें, आपकी आंतें साफ रहेंगी। लेकिन दांतों की सफाई के लिए आज मार्केट में बहुत सारे पेस्ट मिलते हैं। और फिर वही कहूंगा आपको दोबारा कि टीवी में ऐड आया, हम लेकर के आए, हमने दांतों को रगड़ना शुरू कर दिया। टीवी में कोलगेट वाले ने बोल दिया कि मेरे पेस्ट में भी लौंग मिला हुआ है, मेरे पेस्ट में नमक भी है, सब कुछ है। अब लोग फिर उसे रगड़ रगड़ के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हकीकत क्या है। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। एक हमारा पेस्ट है एविडेंट पेस्ट, और मार्केट ऐसे बहुत सारे पेस्ट है, जैसे कोलगेट हो गया, या आपका दंतकांति हो गया, ये डाबर रेड हो गया, ये आपका पेप्सोडेंट हो गया, ये आपका एक सेंसोडाइन पेस्ट है, ये मार्केट में हो गया, और ये हमारा जो है विडेंट पेस्ट है। अब जैसे आप सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं कि केमिकल का रिएक्शन केमिकल के ऊपर होता है। ये एसिड है मेरे पास जिससे हम टॉयलेट वगैरह की हम सफाई करते हैं, तेजाब है एक तरह से, और इसको जब हम एक एक पेस्ट के ऊपर डालेंगे, ये देखिए मैंने कोलगेट को ऊपर डाला, देखिए किस प्रकार से झाग बन के निकल रहा है। ये पेप्सोडेंट हो गया, दंतकांति हो गया, और ये डाबर का हो गया, ये देखिए किस प्रकार से झाग बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं केमिकल है, जब भी तो उसका रिएक्शन हो रहा है जो है। लेकिन ये देखिए मैंने सेंसोडाइन के ऊपर डाला, हाँ इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, और ये मैंने अपने पेस्ट के ऊपर डाला विडेंट के ऊपर, इसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ समझने का विषय है सर, ये जहाँ केमिकल होगा वहां रिएक्शन होगा, जहाँ केमिकल नहीं है वहां रिएक्शन नहीं है। अब जब इन पेस्टों को यूज करते हैं हम, कोलगेट को, दंतकांति को, पेप्सोडेंट को, इनसे जब हमारे धीरे धीरे करके दांत खराब होने शुरू होते हैं। दांत क्यों खराब होने शुरू होते हैं? देखिए ये जो झाग निकल रहा है, और इससे जब इन पेस्टों को करते हैं इसके अंदर स्वाद भी आता है, इसके अंदर एक केमिकल होता है SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट। अभी आप मोबाइल को ऑन करें, अपना नेट खोलें और उसके ऊपर डालिए SLS का हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव है। कुछ लोग उस समय खोल के भी दिखा सकते हैं, या फिर जब आप उनके माइंड में ये चीजें डाल देंगे, आप अभी खोलिए तो वो समझ जाएगा कि नहीं जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बोलिए अभी आप खोल करके देखेंगे SLS का हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव है, वहां पे साफ साफ लिखा आएगा SLS का इस्तेमाल करना हमारे शरीर पे कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। जब कैंसर शब्द आप किसी के सामने रख देंगे आदमी हिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, और इसका अगर हम संपूर्ण रूप से बोलें कि पूरा इलाज नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। डाइट चार्ट भी है, अच्छे प्रोडक्ट भी होने चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल भी ठीक होनी चाहिए, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब इलाज हो जाता है। अगर आप कुछ चीजों को इन चीजों से इग्नोर कर देंगे तो उसका थोड़ा सा होना जो है समस्या बन जाता है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकली है, बाकी हमारे जेएमबीटी के प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी है, बहुत सारे पेशेंट भी यहाँ से ठीक हुए कैंसर के, उनको जैसा बताया गया वैसा उन्होंने किया तो वो ठीक भी हुए।
तो जब इनको आप बोलेंगे ये कैंसर होने का भी बहुत बड़ा कारण है, आप नेट पे इसको सर्च करें, साफ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आज हमारे पेस्ट में नहीं है, ये देखिए साफ लिखा हुआ है SLS फ्री। जब इन पेस्टों से हमारे दांत खराब होते हैं तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर डेंटिस्ट हमें क्या रिकमेंड करता है, मार्केट में एक पेस्ट है सेंसोडाइन, आप उसे यूज करें। जब मार्केट में सेंसोडाइन खरीदने जाते हैं 100 ग्राम लगभग 200 रुपए का आता है, और ये कोलगेट दंतकांति वगैरह सारे पेस्ट 100 ग्राम लगभग 55-60 रुपए के आते हैं। 55-60 रुपए का छोड़ करके हम 200 रुपए का खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो हमारे बजट में नहीं होता, हम मजबूरी में उसे खरीदते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सेंसोडाइन है उसी प्रकार से हमारा ये पेस्ट है वीडेंट पेस्ट, मात्र 110 रुपए का। अब सर आप एक चीज बताएं मुझे, 110 रुपए का पेस्ट खरीदना आपको अच्छा रहेगा या फिर 200 रुपए का पेस्ट खरीदना अच्छा रहेगा? क्वालिटी दोनों की सेम है जो है, उस तुरंत छूटते का आएगा कि नहीं 110 वाला अच्छा है, कहते कि आप 110 का यूज करें क्योंकि सेम क्वालिटी है उसके अंदर है। और इसको करने का तरीका बहुत आसान है, लगता भी कम है। ये जिसको किसी भी प्रकार की दांतों में समस्या है, खट्टापन लगता है, झंझनाहट होती है, पायरिया है, ठंडा गर्म लगता है, खून दांतों से खून वगैरह निकलता है, अपना उंगलियों को साफ करके उंगलियों को ऊपर लें और अपने दांतों में इसे लगा करके 10 मिनट 15 मिनट आप छोड़ दें, उसके बाद जैसे आप ब्रश करते हैं चाहे उंगलियों से चाहे ब्रश से, आप उसको करके बाहर निकाल दीजिए। अगर आप दूसरे पेस्ट करते हैं जैसे कोलगेट दंतकांति वगैरह, तो आप उसको मुंह में अगर डालेंगे तो वो पेस्ट हमारे पेट में जरूर जाता है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोलगेट को मीठा समझ के खा भी लेते हैं। अब ये जहर अगर हमारे पेट में भी जाएगा, हमारे खून में भी जाएगा, तो हमारा ब्लड का फ्लो भी डिस्टर्ब करेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब करेगा। जब ये दोनों चीजें डिस्टर्ब होंगी तो जिंदगी में बीमारी के अलावा और कुछ नहीं आएगा दोस्तों हाथ में। और आज हमारे इस पेस्ट को अगर आप लगातार यूज करेंगे, इसके अंदर ये केमिकल फ्री है, और अगर पेट में भी जाएगा खून में भी जाएगा तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लाजवाब पेस्ट है सर जो है। और इसी प्रकार से आप क्रम में आप लगातार आप फेस वॉश का भी आप डेमो दे सकते हैं और अपने हेयर ऑयल के बारे में बता सकते हैं। हाँ, कोलगेट वीडेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि और चीजें बताता हूँ मैं कि जैसे मेरी मिसिस को दांतों में समस्या थी और मैंने जब वीडेंट का इस्तेमाल इस सिस्टम में किया, उनको जो खट्टेपन खाने की समस्या थी वो हफ्ते भर के अंदर जो है ठीक हो गई, और उसी के विश्वास से मैंने इस सिस्टम को आगे शुरू किया। फिर JMVT का एक लाजवाब प्रोडक्ट और हेयर ऑयल, लाजवाब प्रोडक्ट है सर। और मेरे पैर में खुजली थी और मैंने इसको लगाना शुरू किया, जैसे हम सरसों का तेल लगाते थे, कई सालों से समस्या थी, सर्दी में ठीक रहता था, गर्मी में हमेशा बना रहता था, घुटने और एड़ी के बीच में इसकी समस्या थी, पूरे काले काले से धब्बे से हो जाते थे, फुंसी पूरी निकल जाती थी, खून भी निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन जैसे मैं सरसों के तेल की मालिश किया करता था उससे आराम रहता था लेकिन ठीक नहीं होता था। लेकिन जब मैंने इस तेल को लगाना शुरू किया तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर मुझे बहुत लाजवाब रिजल्ट मिला, और फिर मैंने इससे फिर इसकी मालिश करनी, अपने पूरे शरीर की मालिश करनी शुरू कर दी, और मेरे पैर में जो समस्या थी चमड़ों की, जो 8-10 साल से मैं परेशान रहता था, वो सारी समस्याएं जो 30-40 हजार 50 हजार मैं इन्वेस्ट कर चुका था मेडिसिन में, कोई रिजल्ट नहीं आता था वहां से। फिर मैं थकार करके सरसों का तेल लगाना मैंने शुरू कर दिया, और सरसों का तेल आप जानते हैं अगर आप लगातार शरीर की मालिश करेंगे तो कपड़ों का रंग भी उतरना शुरू हो जाता है, और मुझे हर 3 से 4 महीने में घुटने से नीचे मेरे पैंट का कलर उड़ जाता था, फिर मुझे पैंट को बदलना पड़ता था। लेकिन जब से आज मैं इस पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे इस हेयर ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और मात्र मात्र सर 60 रुपए का 100 ml, आज 17-18 प्रकार की जड़ी बूटी का तेल अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे 150-200-250 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको JMVT का तेल मात्र 60 रुपए में आपकी बालों की समस्या तो ठीक करता ही करता है, साथ में आपके शरीर के त्वचा के रोग चर्म रोगों को भी ठीक करता है। और आपको किसी को एक्जिमा सोरायसिस वगैरह भी हो तो हमारी तुलसी को साथ मिला करके आप इसको लगाएं, लाजवाब रिजल्ट है सर। साथ में गिलोय एलोवेरा और तुलसी को पीने का भी आप इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार की चर्म रोग की समस्या सब ठीक होती है, और हमने किए हैं ठीक है, और आप भी यूज करेंगे तो आप भी वाह वाह के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। और इस प्रकार से सर ये तो एक छोटा कुछ प्रोडक्टों का डेमो है, जिस प्रकार से हम चावल वगैरह बनाते हैं तो ऊपर से हम कुछ दानों को हम चेक करते हैं और उसके बाद अंदाजा लगा लेते हैं पका है या नहीं पका है, उसी प्रकार से हमारे पास 600 प्रोडक्ट है यहाँ पे। हम सब चीजों का तो हम आपको डेमो नहीं दिखा सकते हैं, और ये एक विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास 3 तरीके से होता है, देखने से, सुनने से और इस्तेमाल करने से। हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, हम आपको यहाँ केवल सुना सकते हैं, लेकिन तीसरा विश्वास इस्तेमाल करके होता है, जो आप जैसे टीवी में देख करके लेके आते हैं। आज मैं टीवी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, आपने मुझे आज यहाँ देखा, आप इन प्रोडक्टों को यूज करें और इस्तेमाल करें और विश्वास करें,
और लाजवाब रिजल्ट आएगा। इसी क्रम में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मसाले भी हैं, हल्दी मिर्च धनिया साबुन तेल सर्फ शैम्पू टॉयलेट क्लीनर फोर क्लीनर हैंड वॉश चावल हो गया दालें हो गए गरम मसाला सब्जी मसाला फिर इस तरह से माइक्रोनी पास्ता सूजी मैदा बेसन और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट एलोवेरा गिलोई तुलसी नोनी इस तरह से आपका त्रिफला हो गया करेला जामुन हो गया सी बकथॉर्न हो गया सल्लकी सिरप हो गई लाजवाब प्रोडक्ट है एक से बढ़कर एक खजाना है पूरा भंडार है सर जो है। तो ये यहाँ होने के बाद फिर मैं उनसे बोलता हूँ सर ये हमारे प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट के बाद अब हम जो है इसके प्लान के ऊपर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने प्लान को सामने रख सकते हैं और इस प्रकार से मैं रखता हूँ और अपनी टीम को भी मैं इसी प्रकार से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं जो इन सारी चीजों को लगातार सीख रहे हैं और फील्ड में जा करके इन प्रैक्टिकली करके लोग पैसा भी कमा रहे हैं और टीम को भी बना रहे हैं। और इस बिजनेस में कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है सर, आपका सपना होना जरूरी है। जब आपका सपना होगा तो डेमो डेमो करके आप हजारों लाखों लोगों की आप टीम बना सकते हैं। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन आपको डेमो देना तो आ सकता है ना, डेमो देने में आपको कौन सा लिखाई पढ़ाई की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर आप एक नेटवर्कर हैं आप या नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आपको डेमो किट बनानी पड़ेगी प्लान फाइल लेनी पड़ेगी और तभी आप इस सिस्टम को आगे कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आप नाम के नेटवर्कर हैं, आप उसी प्रकार से नेटवर्कर है जो 10 कंपनियां 20 कंपनियां करके छोड़ चुका होता और अपने नाम के आगे केवल लगाता मैं एक नेटवर्कर हूं मैंने ये भी किया वो भी किया वो भी किया। नेटवर्कर के लिए एक ही कंपनी काफी होती है, 10 20 30 40 कंपनियों की जरूरत नहीं होती है उससे। क्या मैं आप होने के लिए एक एमडीएस का मसाला ही काफी होता है, उसे चावल बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसे कपड़े धोने का पाउडर बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप नेटवर्कर हो तो आपको एक ही कंपनी चाहिए, दूसरी कंपनी की जरूरत नहीं होती है। और सपना आपका होना चाहिए। तो बातें तो बहुत हैं दोस्त और लेकिन मैंने कुछ अपने साथियों से भी वादा किया था कि कुछ समय बचेगा तो उनसे भी मुलाकात करी जाएगी और मैं चाहता हूँ कि इसी क्रम में ग्वालियर से जो अपनी ग्रेट लीडर है दीपा जी और काफी समय से इस सिस्टम में है हमारे साथ और जब से आई है उन्होंने लगातार इस सिस्टम को फॉलो किया है और जो मैं ग्रेट लीडर की मैं बात करता हूँ ग्रेट लीडर की पहचान क्या है, डेमो किट बनाना प्लान फाइल बनाना और खुद डेमो देना सीखना। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने अभी तक अपने 4 साल की लाइफ में इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में मैंने उनको भी ये बातें शेयर करी थी कि दीपा जी जैसा मेरी टीम में मुझे और टीमों का नहीं मालूम है दीपा जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने डेमो किट बनाया और कम समय के अंदर डेमो देना और प्लान देना सीखा यहाँ से। तो तारीफ करता हूँ मैं उनकी कि उन्होंने इस सिस्टम को बहुत गहराई से समझा है बहुत गहराई से जाना है और इसको लगातार वो अच्छे रूप में कर रहे हैं और ग्वालियर में बहुत अच्छा बिजनेस फैला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सर अगली आवाज दीपा जी की ग्वालियर से। बोलिए दीपा जी। हेलो हेलो। हाँ सर आवाज आ रही। हाँ बिल्कुल आ रही है दीपा जी। जय जय एमबीडी सभी साथियों को। जय जय एमबीडी। मैं अपना परिचय दूंगी थोड़ा संक्षिप्त रूप में। मैं ग्वालियर से दीपा पवैया और इस सिस्टम में आए हुए अभी मुझे आज 4 तारीख है 4 सितंबर को मैं इस सिस्टम में बिजनेस के रूप में आई हूँ। आज मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं। 3 साल से जुड़ी हुई थी लेकिन बिजनेस मैंने सिर्फ 3 महीने से ही शुरू किया है और 3 महीने में मैं यहाँ ग्वालियर में ही मेरा ससुराल है मायके से मैं मुरैना से हूँ और सभी लोगों का मेरे घर में भी काफी अच्छा प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है। मेरे ससुर जी पहले से ही आयुर्वेद में बहुत ट्रस्ट करते थे और आज मुझे वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद मैं कहूँ तो जो मेरे अपलायन हैं जो मेरे ग्रेट लीडर हैं उन सभी लोगों का मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। ग्रेट लीडरों में मैं नाम लेना चाहूँगी जैसे मेरी
ओम सर जी हुए, रमेश सर जी हुए, मुकेश सर जी हुए, अलका मैम हुई, मेरी सरोज बुआ जी जो ग्वालियर में ही है, मेरी अपलाइन है, तो उन सभी लोगों का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे जब भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, जहाँ भी मुझे सीखने की जरूरत होती है, सिर्फ मेरे एक फोन कॉल पे ही सभी लोग मेरे सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। और अलका जी की मैं बात करूं तो अलका जी तो 15-15 दिन 20-20 दिन मेरे यहाँ रहकर मुझे सारी चीजें सिखाने का प्रयास करती हैं, मेरे साथ फील्ड में जाती हैं, 1-to-1 करती हैं हर चीज। मैं उनसे कुछ भी निगेटिव वे में अगर जानना, एक स्वभाव है बिजनेस का, अगर मैं जाती भी हूँ तो वो मुझे बहुत जल्दी मोटिवेट कर लेती हैं। क्योंकि मैं ये कहूँ कि जितना मैं उनको इग्नोर करती थी, आज मैं उनको इग्नोर तो अब हो ही नहीं सकती हैं। आज मैं उनको अपनी एक बड़ी बहन के रूप में देखती हूँ। मतलब एक दिल से रिश्ता बन चुका है उनका, बिजनेस से जो रिश्ता है वो तो है ही है, लेकिन एक दिल का जो रिश्ता बन चुका है, और जब हम किसी सिस्टम में या किसी से भी दिल से जो रिश्ता बनाते हैं, तो फिर वहां पे बहुत नजदीकियां आ जाती हैं। अब इसके बाद में अब बिजनेस के आगे के लिए चलूंगी। जैसे कि सर ने अभी बताया कि सीखने का जो जोश है, क्योंकि बिजनेस की जो गहराइयां मैंने समझ ली हैं, तो इसमें सीखना तो एक स्वाभाविक बात है। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, हम खुद अपने आप को बेस्ट नहीं बनाएंगे, तो हम सामने वाले को अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। और सीखना तो एक प्रक्रिया है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। आज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बच्चा भी सीखता है, और हम ऐसा नहीं कि हम बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो अभी तो मैं तो खैर स्टार्टिंग ही है, अभी 3 महीने ही हुए हैं, और लेकिन 3 महीने में जैसे कि सर ने बताया, सर तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन मुझे भी इस चीज का रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जहाँ की जब अलका जी मुझसे कहती थी कि दीपा जी आप अपनी आईडी खोलें, आप चेक करें आपका पे आउट आया हुआ है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी। मैं आईडी वो जब भी आती मुझे बता के जाती, लेकिन मैं आईडी भी नहीं खोलती थी, और अगर कोशिश भी करती थी तो आता ही नहीं था, मतलब दिमाग में लेना ही नहीं था। लेकिन आज तीन महीने के अंदर में मैं सारा सिस्टम सीख चुकी हूँ, पूरा स्टोर पे चढ़ाना, जो भी बिल है बिल काटना, सारा मुझे आ गया है। और सर की और अलका जी की बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फोन पे यहाँ रहकर वो जब भी हम आते हैं, हम किसी से मिल ना पाए, भले ही हम उनसे मिला ना पाए, लेकिन वो कभी भी हमारा मनोबल कम नहीं होने देते हैं। तो आज मैं इस सिस्टम में आकर मैंने बहुत अच्छा डिसीजन जो अपने साथ लिया है, उस पे मुझे बहुत फक्र है, और मैं अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और जैसे कि मैं आज आपको इससे ही जुड़ी हुई एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी हुई है, वो मैं आप लोगों को सभी के साथ शेयर करने चाहूंगी, जल्दी जल्दी सुनाऊंगी, टाइम भी खत्म हो रहा है। हमारे रतन तात्या जी हैं, उनको तो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने एक समय एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक पानी का जहाज खरीदा, जिसको वो अपने गाड़ी के किसी पार्ट्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, उसके पार्ट्स को गाड़ी के इंजन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन उस समय जो उन्होंने डिसीजन लिया था, उनको सभी लोगों ने, उनसे जो भी जुड़े हुए लोग थे या जो नहीं भी जुड़े हुए लोग थे, उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉय थे, उनका परिवार था, सभी लोगों ने उन्हें बहुत बार वार्न किया कि आप लाखों का नुकसान कर सकते हो, लाखों करोड़ों का आपको घाटा पड़ सकता है। लेकिन उनने जो अपना डिसीजन लिया, उस पे वो टिके रहे। उन्होंने सबसे पहले अपने काम पर फोकस किया, और उनके मन में एक जिद थी कि अगर मैं पहले से ही डिसीजन कर लूंगा कि मैं हारूंगा तो मुझे हारना ही है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, और जो भी उनको जो लोगों ने राय दी थी वो सब झूठी साबित हुई। उन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान ना होते हुए उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा हुआ, और उनका वो डिसीजन उनकी सक्सेस में बदल गया। तो बस इसी बात के चलते और इसी सारे सिस्टम को देखते हुए चलते हुए, मैं भी पहले स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं भी बस एक यूजर बन के ही बैठी हुई थी,
लेकिन मैंने जो आज डिसीजन लिया है, जो मैंने आज जेएमबीडी को करने का, और उसमें हर चीज हर नए दिन में एक नया चीज सीखती हूँ। जब भी मैं अभी फिलहाल में थोड़ा फील्ड में कम निकल पा रही हूँ, तो थोड़ी व्यस्तता भी है और थोड़ी और भी मेरी कुछ समस्याएं हैं, तो मैं उनके कारण नहीं निकल पा रही हूँ। लेकिन मैं जब भी फील्ड में निकलती हूँ, जब भी नए लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलता है। मुझे बात करने का एक तरीका, मतलब सामने से क्वेश्चन जब कोई आता है, फिर उसके आंसर या तो मुझे मालूम होते हैं, अगर मुझे वो आंसर नहीं मालूम होते हैं, तो उनको ढूंढने की उत्सुकता मेरे मन में बढ़ जाती है कि सामने वाले ने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका मुझे हल जरूर देना है। तो इसी के चलते हुए मैं अब अपने आप को ये साबित करने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं सही है या गलत है, वो तो मेरी मेहनत ही साबित करेगी, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करूंगी उतना ही ये मुझे कामयाब करेगी। लेकिन अगर हम मैं पहले से ही ये मान लेती कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना डिसीजन अगर मैं स्टार्ट तो पहले ही नहीं हुई थी, लेकिन आज जो मैं स्टार्ट हुई हूँ वो डिसीजन मेरा बहुत अच्छा है और मैं इस सिस्टम को बहुत ही इंजॉय के साथ कर रही हूँ। जेएमबीडी में प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं, उनको तो मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। काफी प्रोडक्ट मैंने अपने घर में यूज किए हैं काफी बीमारियों से, और आज जेएमबीडी का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है जो आज मैं मेरे घर पूरे घर में पूरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, किसी को कुछ भी परेशानी होती है जेएमबीडी के प्रोडक्ट ही हम यूज करते हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट भी आता है, बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट मेरे घर में आ जाता है। क्योंकि जो तुलसी है वो मेरे घर में बराबर यूज हो रही है, तो केमिकल तो हमारी बॉडियों में ऑलरेडी खत्म हो ही चुके हैं, तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि हम लोग जब भी बताते हैं, सर ने जैसे भी बताया प्रोडक्ट के बारे में, जो भी जानकारी दी जाती है कि पहले जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उससे हमारे बॉडी की सफाई होती है, तो सफाई तो हो चुकी है, तो जल्दी से जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका जल्दी से रिजल्ट भी आ जाता है। तो बस इन्हीं शब्दों को मैं और आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, सर को किसी और को भी मौका देना होगा, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा जो डिसीजन है वो मैं अपनी मेहनत से उसको सही साबित जरूर करना चाहूंगी, और इसमें सभी लोगों का, मेरे अपलायनों का, मेरे महागुरुओं का, सबका सहयोग रहेगा। और ओम सर जी, रमेश सर जी, दद्दा जी, पंकज सर जी, मुकेश सर जी, अलका जी, सरोज बुआ जी, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय जेएमबीडी। शुक्रिया दीपा जी, और काफी कम समय में आपने पूरी बातें रखी और अच्छी बातें रखी। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी भी चीज को करने के लिए पहले निर्णय ले लो कि मुझे ये करना है, हार और जीत नहीं देखनी है। और आज इंसान यहाँ का करता है, अच्छा मैं हारूंगा मैं जीतूंगा, पहले निगेटिव सोचना शुरू कर देता है। अगर किसी भी निर्णय में अगर आपका जरा सा भी निगेटिवपन पहले आ गया तो आप समझ लीजिए उसको आप करिए ही मत, क्योंकि आप उसको कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा यह बना रहेगा, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी काम करने में, और जरा सी परेशानी आई आपके दिमाग ने फिर बोला नेगेटिव, फिर सोचा नेगेटिव, तो आपको सफलता कभी आ नहीं सकती है। निर्णय ले लें और उसके बाद उसे काम करना शुरू कर दें, और काम उसमें इस प्रकार से करें, इस इज्जत के साथ करें कि ना होते हुए भी वो पूरा हो जाए और आप उसमें सफलता को प्राप्त करें। तो अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके, और यही चीज एक निर्णय था अब्दुल कलाम जी का, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उनका शौक था जहाज उड़ाना, पायलट बनना उनका शौक था, लेकिन उन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया जिसमें वो फेल हो गए, वो पास नहीं हो पाए, और फिर वो साइंटिस्ट की तरफ मूव कर गए, और वहां से फिर उन्होंने, सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, हिंदुस्तान का परमाणु बम का भी स्थापक थे वो, और फिर उनके काम के द्वारा, उनके नाम के द्वारा सारी चीजें समा करके वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उनका जो सपना था पायलट बनने का, पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन अब उनके नीचे वो अपने आर्मी की 3 बटालियन थी, जल, थल और वायु, क्यों राष्ट्रपति से बढ़ा तो कोई होगा नहीं अपने देश में, तो अब उनके कमांड में वो 3 सेनाएं आ गई थी, जल, थल और वायु।
तो उन्होंने वायुसेना के अधिकारी को बुलाया, उन्होंने बताया मेरा सपना ये था, अब मुझे जहाज उड़ाना है। तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे तो 6 महीने उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली, और जब पायलट की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने खुद ही जहाज को उड़ाया। ये सपना, अगर आप अपने सपने पर फोकस करेंगे तो कुदरत, कुदरत वो आपका साथ देती है, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से घुमा करके आपने आपके सपनों को पूरा करती है। लेकिन आप सही मार्ग पे, सही दिशा में अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो उसमें आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। उन्होंने कभी अपने माइंड में नेगेटिव नहीं लेकर के आए, कह रहा कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो नंबर आएगा ही आएगा। और वो आया भी कैसे, राष्ट्रपति के रूप में, जिसके नीचे तीनों सेनाएं होती है, जो कभी उस वायु सेना ने उनको एग्जाम में फेल कर दिया था, एक बार नहीं दो दो बार फेल कर दिया था, लेकिन सपना उनका खत्म नहीं हुआ। तो अपने सपने को कभी खत्म नहीं करना, जो निर्णय एक बार ले लिया ना दोस्तों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, मंजिल पे तो पहुंचना ही पहुंचना है। कामयाबी खुद ही कहेगी, आपके रास्ते में खड़ी होगी सामने, और कहेगी गले, और आपके गले में सफलता का हार डालेगी कि आप ही के लिए तो मैं खड़ी थी इतने दिनों से। तो निराश नहीं होना, निर्णय लेना और उस पर काम करना। अगले क्रम में समय हो रहा है और मैं बुलाना चाहूंगा नोएडा से अलका जी को, अलका चौहान जी। तो सर, मैडम का एक बार माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है पापा? आ रही आ रही। जय जयंबिली सभी को। और जैसे कि आज बहुत ही अच्छी जानकारी सर के द्वारा डेमो की जो मिल रही है, तो हम सबका भी सौभाग्य है कि हमारे अपलाइन जो ग्रेट अपलाइन मुकेश सर हैं, और ऐसे ही जानकारी हम सबको मिलती है हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का, और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो मन से सुनते हैं और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और दीपा जी ने भी बहुत अच्छा बोला, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। यही क्वालिटी मैं आपकी देखती रही, और इसी क्वालिटी को देखकर मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा, और ना ही अब छोड़ना है, अब कामयाब कर कर ही रहना है। और बात की जाए कि जैसे कि सर ने अभी डेमो के ऊपर काफी अच्छी जानकारी दी है, और जैसे कि हम सभी सॉरी मैंने परिचय नहीं दिया है, लेकिन नाम सभी जानते हैं अलका चौहान, और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ने जो आज डेमो के ऊपर बात की है, तो इसमें कुछ और अच्छे पॉइंट मुझे मिले हैं, जो बराबर सीखती तो रही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती हैं। तो जैसे सर ने कहा कि हम किसी को बताते हैं डेमो के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां पर हमें ये नहीं कहना है कि ये जेएमबीटी कंपनी का प्रोडक्ट, हमें बराबर अपना प्रोडक्ट करके मानना है, अपना प्रोडक्ट कहकर वहां पर हमें बताना है। और ये हकीकत है, जब हम अपना कहकर बताते हैं तो एक जो एक भाव जो आता है वो एक अलग ही आता है, जो अपनेपन में भाव होता है। तो कहीं ना कहीं भले ही फिर उस व्यक्ति के लिए हम जो प्रोडक्ट देकर आए, जो उसके पास छोड़कर आए, उसको कैसा लगा, हो सकता है कि उसको वो बीडेंट अच्छा ना लगा हो, और ये कहीं ना कहीं स्वाद में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर वो व्यक्ति भी कहता है कि आपका बीडेंट, आपकी कंपनी का बीडेंट मुझे ये स्वाद में अच्छा नहीं लगा, तो उसके भी मुख से यही आता है कि ये आपकी कंपनी। तो यहाँ पर भाव होता है कि हम अपना कहकर रखते हैं, तभी वो भी कहता है कि आपकी कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो आज अगर देखा जाए कि आज कंपनी हमने नहीं खोली है, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी के नाम से, चाहे वो अच्छा बता रहा है तब भी वो हमारी कंपनी, और बुरा बता रहा है तब भी वो हमारी कंपनी। तो ये अपना कहकर हमें रखना है। और दूसरी चीज है कि जैसे कि हम किसी को फील्ड में जो बताते हैं, और मैंने ये चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपनी डाउनलाइन से सीखती हूँ। और जैसे बात करूंगी मैं बबीता मैम की,
और बड़े बिंदास होकर, मैंने जैसे कि एक दो बार देखा है इनको, बड़े बिंदास होकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताती हैं फील्ड में। तो ये हकीकत है कि जब तक हमारे अंदर से वो भाव नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सामने वाला भले ही हम दिल से कितना भी सच बोल रहे हों, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी निकल के बाहर आना चाहिए। अब हमारे चेहरे से वो झलकना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे चेहरे से नहीं झलकेगा तो सामने वाला विश्वास नहीं करता है। और अभी मैं अभी हाल की बात में बताती हूँ बबीता मैम की, कि जो अभी एक मैडम को जानकारी इन्होंने दी और मेरे साथ गई हुई थी, तो उनके चेहरे पे कुछ बहुत सारे झाइयां वगैरह थी और काले धब्बे थे, तो इन्होंने रोककर उनको बोला, तो मुझे इनका जो बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, जब उसने कहा कि क्या आप डॉक्टर हैं, तो उस बीच में मैंने भी अपनी बातें रखी, नहीं हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है कि वो किसी डॉक्टर की दवाइयों में दम नहीं है। तो यहाँ तक कि वो लेडीज एक लॉयर थी और वो कहने लगी कि आप अच्छा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो तो मैं आपकी दवाइयों को जरूर यूज करूंगी। तो ये यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस निकल कर आया, वरना वो इतनी पढ़ी लिखी लेडीज एक लॉयर की हमारी बातों में आती, वो हमारी बातों में नहीं आई, हमारे कॉन्फिडेंस को देख कर आई। तो ये चीजें हमें रखनी पड़ेंगी फील्ड में जाकर, और जब हमारा भाव अच्छा जब अंदर से निकल कर आएगा तो लोग ऑटोमेटिक, एक बार भले ही मना कर दें, दो बार भले ही मना कर दें, लेकिन तीवारा वो कैसे मना कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें अपने बात को रखना है। और आज बात की जाए कि जैसे कि आज जो मीटिंग, तो वीकली मीटिंग सर के द्वारा होती ही है बदरपुर में, लेकिन आज जो मीटिंग, आज की मीटिंग हुई, बहुत ही शानदार मीटिंग हुई सर के द्वारा, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी चीज कि वहां पर हर किसी को जो सीखने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर धन्यवाद करती हूँ कि आज मुकेश सर जैसे अपलाइन जो मुझे मिले, जो हर किसी को हर चीज की बारीकियों से बताते हैं, तो ये हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हमें दिल लगाकर सीखना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मुझे समय दिया बोलने का, थैंक यू सर। जय जयंती। शुक्रिया अलका जी। और फिर कहूंगा दोस्तों कि ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप अपनी टीम को नहीं बना सकते, क्योंकि टीम आपको देखेगी आप कितने पानी में, मुझे लाने वाला क्या कर रहा है। अगर लाने वाला उस काबिल नहीं है तो हम, वो हमें बनाएगा क्या, ये माइंड में लोगों के कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर ना समझें, कभी भी कमजोर ना समझें। और जब भी मुझे अगला मौका मिलेगा तो इस बारे में मैं आप लोगों के सामने बातें रखूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। आपको इस बिजनेस में अगर कुछ भी नहीं आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और जो मुझे लगता है कि अगर उन पॉइंटों को ऊपर हम सब ने मिलकर काम कर लिया तो 100% है एक अंगूठा छाप, ये निराश व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर लेगा वो, और उसके जीवन में वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो आज तक उसके पूरे नहीं हुए, केवल इसी उधेड़ बुन के चक्कर में कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। काबिलियत हर किसी के अंदर छिपी हुई है, बस हमें उसको निकालना है। हमें चाहे अनपढ़ मिले या पढ़ा लिखा मिले, काबिलियत हर किसी के अंदर है। उसके हुनर को पहचान करके उसके साथ हमें जागना है, उसके साथ हमें भागना है, उसको लीडर बनाना है। और एक दिन देखना, जो आज कुछ नहीं करता, एक दिन वो बहुत कुछ करके आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो अंत में मैं फिर यही कहना चाहूंगा प्रोडक्ट के ऊपर, भागना तो पड़ेगा आपको, भागना तो पड़ेगा आपको। या तो आप अपने जीवन को ठीक चलाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की तरफ भागें, या हॉस्पिटल की तरफ भागें। भागना तो पड़ेगा आपको, या तो आप अच्छे प्रोडक्ट की तरफ भागें या हॉस्पिटल की तरफ भागें। और आज हम सब जेएमडी में प्रोडक्ट की तरफ भाग रहे हैं, और आगे हमें इन सब बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोडक्ट की तरफ ही भगाना है।
तो इस मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा और अंत में फिर मैं ओम सर को, रमेश सर को, पंकज सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से भी हमें विभिन्न प्रकार की लाजवाब जानकारी मिलती है। अमित सर के द्वारा हमें प्रोटो की जानकारी मिलती है, अवतार सर, मनोज सर, इन सब के द्वारा, सीके सर, इन सब के द्वारा जो है हमें मोटिवेट की जानकारी मिलती है। तो सभी का रोल यहाँ पे अपना अपना है और सभी से कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लगातार मैं भी इन लोगों से सीखता हूँ कि किस प्रकार से नम्रता के साथ हमें बात करनी है, किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है। सीखने का क्रम कभी बंद ना करें, सीखने का क्रम अगर आपने बंद कर दिया तो आप वहीं से फेल होना शुरू हो जाएंगे। और उससे ऊपर मैं दद्दा जी जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत करी और लाजवाब प्रोडक्ट, लाजवाब प्लान का नींव रखा है यहाँ पे और आज उसी के माध्यम से हम सब आगे बढ़ रहे हैं और हम सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो आगे बढ़ ही रहे हैं, उन सब लोगों के सपनों को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं जो आज मार्केट में कुछ गलत कंपनियों के चक्कर में आकर के जिन्होंने इस सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। तो उनके विश्वास को खत्म नहीं करना है, उनके विश्वास को फिर जगाना है, फिर आगे बढ़ाना है और सबके सफलताओं को चूमना है। तो शुक्रिया दद्दा जी, शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने बड़े ध्यान से इस आज की मीटिंग को सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छे पॉइंट आप लोगों को मिले होंगे और उसमें आप जोड़ सकते हैं अपने सिस्टम में भी, अपने डेमो में भी और अपनी सफलताओं को आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का।